हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर। अगर आपको प्लान बनवाना है तो दिए गए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर जो आप देख रहे हैं 8920086410। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। प्लान में डिटेलिंग बताएंगे। तीन भाइयों के लिए बना हुआ प्लान है, चाहे तो पूरे हॉल को एक साथ रख सकते हैं। बरामदा एक है, बरामदा हमेशा घर का फेसिंग एक ही दिखेगा। अंदर जाने पर घर तीन भागों में मिलेगा। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर प्लान है। अगर आपको तीन भाइयों के लिए प्लान बनवाना है तो इससे बेहतर प्लान आपको नहीं मिलेगा। देखिए, डायमेंशन को देख लेना एक अलग चीज़ है। डायमेंशन हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, डायमेंशन देख लें, ये इतना है ये नहीं है। लेकिन बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको वीडियो देखने पर ही समझ में आएंगी, जो आपको वीडियो पर छोटी छोटी चीज़ें बताएंगी। अगर आप घर बना रहे हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख का घर बनाते हैं, तो आप अपने लिए 5 से 10 मिनट निकाल के वीडियो को जितना देखिएगा उतना आपके आइडिया ग्रो करेगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर आते हैं, स्टेप है। स्टेप से हम लोग आ जाते हैं बरामदा में। ये टर्निंग एरिया है, बैठने के लिए बहुत जगह है, यहाँ बहुत जगह है। यहाँ से यहाँ तक 45 फीट है बरामदा, और यहाँ से यहाँ तक 10 फीट है। क्लियर है। उसके बाद स्टेयर को बाहर रखा गया है। स्टेयर यानी दरवाजे की तरफ से आप वहाँ से ऊपर होते हुए फर्स्ट फ्लोर, यानी कि रेंट पर्पज से भी लगा सकते हैं तीन फ्लैट, और घर में रहने के लिए भी है। दूसरा चीज़ है, दरवाजे ओपन नहीं, टोटल दरवाजे के पास विंडो का इस्तेमाल किया गया। यहाँ जो आप देख रहे हैं विंडो है, यहाँ जो आप देख रहे हैं विंडो का इस्तेमाल है, जिससे आप घर बरामदे को भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, घर की लेडीज जेंट्स टोटल। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। प्लान की तरफ बढ़ते हैं तो स्टेयर एरिया की तरफ आते हैं। स्टेयर का लेंथ विड्थ क्या है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 फीट है चौड़ाई में, और यहाँ जो ये लेंथ है ये आप देख लीजिए, यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 फीट 7 इंच है ये बना हुआ लेंथ। बची हुई जगह है जो सीढ़ी को उठाई गई जगह है, यानी कि सीढ़ी को कहाँ तक लेके जाना वो जगह हम आपको दिखा देते हैं। देखिए 12 फीट आराम से आपका 10.5-11 का हाफ बैठेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 7 फीट की हाइट होगी। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ, यहाँ भी एक डोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको यहाँ पर इस फेसिंग में। तो हम लोग आते हैं तो सीधे एक फ्लैट में जाने का ये रास्ता, और यहीं पर वॉल है, दूसरे फ्लैट में जाने का रास्ता ये। तो चलिए फ्लैट में जाने से पहले आते हैं दोनों के गेस्ट रूम, एक गेस्ट रूम की तरफ। यहाँ पर आप जैसे ही नहीं है कोई गेस्ट है, आपको घर के अंदर नहीं ले जाना है, यहीं से डील करना है, तो यहाँ पर गेस्ट रहेंगे। गेस्ट का अटैच बाथरूम है 6x4 का, और बेडरूम है 10 फीट 4 इंच x11 फीट का, जो क्लियर आप देख रहे हैं। और यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, 4 फीट का डोर है, आगे आते लिविंग हॉल में आते। लिविंग हॉल का साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक 19 फीट 2 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फीट 2 इंच है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया यहाँ से यहाँ तक 8 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक 13 फीट। खाना खाने के लिए एक जगह चाहिए, तो जगह है, डाइनिंग टेबल लगाकर आप खा सकते हैं। आते हैं, एक बेडरूम है, यानी इस फ्लैट में 3 बेडरूम है। एक बेडरूम है जो यहाँ पर 10 फीट 9 इंच है। 10 फीट 9 इंच कहाँ से कहाँ, एक झलक वो देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 10 फीट 9 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक ये 11 फीट है, 10-11 फीट, ठीक। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो आपको आगे बताएंगे क्या है। जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो आते हैं टॉयलेट में। टॉयलेट यहाँ पर 3.5 का है, और 6 फीट 10 इंच का ये है, 6 फीट 10 इंच का, यानी कि ये जो एरिया 6 फीट 10 इंच है, आप सब डायमेंशन देख रहे हैं, 6 फीट 10 इंच है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर अंतिम वाले बेडरूम में, जो 11x9 का है, 10 फीट 9 इंच का। किचन आते हैं, किचन यहाँ से यहाँ तक 8 फीट, और यहाँ तक यहाँ तक 11 है, यानी बेडरूम यहाँ से यहाँ तक 10-9 है, और ये 11। क्लियर है, एक फ्लैट क्लियर हो गया। दूसरे फ्लैट के लिए फिर हमको बाहर आना है। आपस में आप चाहते हैं गेट रखें, हमको यहाँ से बाहर ना निकलना पड़े, तो आप यहाँ से भी डोर इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ ज़रूरत क्या है, ऑलरेडी आप लोग अंदर से ही मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं कि यहाँ पर फ्लैट 21 फीट 9 इंच है, बड़ा सेंटर फ्लैट है, इसलिए इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीमेंट रखा गया है, और ये आपका 12 फीट 2 इंच लिविंग हॉल। इसके भी गेस्ट रूम में आते हैं, 10x11 का गेस्ट रूम है, अटैच बाथरूम है। यहाँ पर ये बाथरूम 4 फीट 8 इंच है यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो अगला हिस्सा इस बाथरूम का 6 फीट है, और यहाँ पर आते हैं ये 4-7 है कॉमन वाला, और 4-8 है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ से, यानी इस हिस्से से जब आप लोग आगे बढ़िएगा, तो डाइनिंग हॉल उसमें भी था, इसमें भी है। 8x13 का डाइनिंग हॉल है, सटा हुआ बेडरूम है, जो 10 फीट x13 फीट 4 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 13 फीट 4 इंच है, ये आपका 10 फीट है। फिर हम लोग आते हैं डाइनिंग हॉल से बाथरूम में, तो बाथरूम जो है अब OTS यहाँ पर है, जो सीधे छत में खुला, क्योंकि एग्जॉस्ट चाहिए ही, सेंटर फ्लैट है तो एग्जॉस्ट का इशू है। तो यहाँ पर आपको OTS का इस्तेमाल किया गया है, 3.5 फीट का OTS है, जो 7 फीट 1 इंच बाई 3 फीट 6 इंच का बाथरूम है।
और यहाँ पर जो बेडरूम है ये 13 फिर 4 इंच बाई 11 का है और ये 8 बाई 11 का, क्लियर है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जल्दी बढ़ते हैं। फिर अगले फ्लैट के लिए हमको बाहर आना पड़ेगा बरामदे पर, बरामदे से हम लोग जाएंगे यहाँ पर जो 10 4 बाई 11 10 का ये बेडरूम है, इससे अटैच एक बाथरूम है। तो साइज़ ऑफ बाथरूम हम आपको बता देते हैं, 4 फीट 9 इंच और यहाँ से यहाँ तक 6 फीट है, और ये आपका 4 फीट 9 इंच और यहाँ से यहाँ तक 4 फीट 7 इंच है। ये हम बता रहे हैं डायमेंशन, यहाँ से देख लीजिए ये डायमेंशन पर। गेस्ट रूम का साइज़ क्लियर है। आते हैं लिविंग हॉल में, लिविंग हॉल 19 फीट 2 इंच बाई 12 फीट 2 इंच का है। डाइनिंग हॉल में आते हैं, डाइनिंग हॉल 8 बाई 13 का है। बेडरूम यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 10 फीट 9 इंच बाई 11 फीट का है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे जो कही बेडरूम है इसमें भी OTS की यूज़ था, 3.5 बाई 4.5 का है। किचन है, किचन 8 11 का है और यहाँ पर बेडरूम भी आपका 11 10 9 का है, क्लियर है। अब हम ये कह रहे थे कि अगर मान लीजिए आपको फ्लैट को एक फेस रखना है, यानी फ्लैट को आप एक फेस रखना चाह रहे हैं कि नहीं अभी हॉल एक ही रहेगा, हमको अंदर से किसी तरह का पार्टीशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भैया, तो बता दे रहे हैं कैसे इस चीज़ से हम अलग हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वॉल जो आप देख रहे हैं सिलेक्टेड वॉल है, यहाँ पर जो आप टोटल यानी ये वॉल एक सिलेक्टेड है, ये वॉल को हम हटा देंगे, यहाँ वॉल नहीं रखेंगे, यहाँ से भी वॉल हम हटा देंगे, यहाँ भी हम वॉल नहीं रखेंगे, ठीक है। लिविंग हॉल को 2 मिनट के लिए दिखा देते हैं, ये पूरा का पूरा हॉल हो जाएगा, आपस में आने जाने का कनेक्शन कनेक्टिविटी पूरी बनी रही, तो ये काफ़ी अच्छा प्लान है। ज़रूरत पड़ने पर हमको बांट सकते हैं इसको आराम से, हम अपना वॉल देके बांट सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्लान है, काफ़ी बेहतर प्लान। अब बताता है कि प्लान का लेंथ विड्थ क्या है सर, चलिए बात एकदम सही है, लेंथ विड्थ क्या है इसका जो है, ये आपका 62 फीट 7 इंच है यानी 62 फीट मान सकते हैं, और ये जो फेसिंग है ये 51 फीट, यहाँ से यहाँ तक का 7 फीट ऐड कर लीजिए, तो टोटल डिटेल क्लियर है, लंबाई चौड़ाई दोनों हमने आपको बता दी, तो काफ़ी अच्छा काफ़ी बेहतर प्लान। इसी तरह का प्लान बनवाने के लिए ज़रूर कांटेक्ट करें। आउटर जितनी वाला 10 इंच की है, पार्टीशन 5 इंच की। कॉलम मार्किंग प्लान जो होता है वो आपको, अगर कॉलम मार्किंग प्लान चाहिए तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा दिए गए नंबर पर। बाकी आपके लिए एक प्लान था जो 2D स्केच प्लान है जो क्लियर है। चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।